हमारी दाढ़ी पर, अगर हमारे बालों पर, केसों पर कोई हाथ डालता है बिना फजूल के, हमारे केसों की भेद भी करता है, पगड़ी की भेद भी करता है, तो उसके ऊपर भी सरकार ने एक सख्त लागू करना चाहिए कानून। जैसे कनाडा के अंदर प्रधानमंत्री ने वहां पर कानून 302 का लागू किया हुआ है। महाराष्ट्र सिख लीगर संगठन पूरे भारत के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर आंदोलन छेड़ेगा और रोड पर उतरेगा, और हमको हमारी मांग अगर नहीं मिली तो आने वाले समय में प्रशासन के, हमारे महाराष्ट्र सिख लीगर संगठन की तरफ से आपको इसका नुकसान पहुंचेगा। पर हमारी दाढ़ी पर, अगर हमारे बालों पर, केसों पर कोई हाथ डालता है बिना फजूल के, हमारे केसों की भेद भी करता है, पगड़ी की भेद भी करता है, तो उसके ऊपर भी सरकार ने एक सख्त लागू करना चाहिए कानून। जैसे कनाडा के अंदर प्रधानमंत्री ने वहां पर कानून 302 का लागू किया हुआ है, 302 नहीं तो 307 का कानून लागू ये महाराष्ट्र सरकार ने करना चाहिए। तो धरना देने का मकसद ये है कि जैसी सरकार हम जानती है, ये महाराष्ट्र के अंदर ही पूरे भारत देश के अंदर अनेक जातियां रहती है, अनेक जातियों को महाराष्ट्र की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से उनको उनका हक मिलता है। पर आज हम 500-700 साल से महाराष्ट्र के अंदर ही नहीं, पूरे भारत देश के अंदर हमारा सिकलगरी समाज रहता है। प्रशासन की तरफ से आज तक हमको एक भी मांग हमारी आज तक पूरी नहीं की गई है। मांग इससे पहले भी हमने रखी थी कि जैसे कि सरकार की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, महाराष्ट्र के प्रशासन की तरफ से सारी जनजाति को अपने अपने हक का उनको हक दिया गया है। जैसे कि हमारी मांग सबसे पहले हमने ये रखी थी कि हमारे पास में जाति प्रमाण पत्र जो दिया जाता है, यानी देश का पक्का रहने का सबूत, वो आज तक हमारी सरकार ने हमारे पास में हमारा जनजाति का वो जो प्रूफ है हमको अभी तक नहीं दिया है। देखो, सबसे पहले हमारी मांग ये है, हमारे बच्चों को पढ़ाई लिखाई करने के लिए, आगे जॉब के लिए सबसे पहले कास्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। सरकार से हमारा निवेदन है कि हमें जल्द से जल्द हमारे कास्ट प्रमाणित हमको दिया जाए। और दूसरी हमारी मांग ये है कि हमें सरकार की तरफ से आज तक अंतर्कुल योजना, जिसे घरकुल कहते हैं, आज तक ना ही हमको कोई घरकुल की योजना मिली है, ना ही आज तक कोई गारंट जगह के ऊपर हमारे सिकलगरी समाज को अभी तक कोई उनका हक मिला है, और ना ही प्रशासन की तरफ से सिकलगरी समाज को अभी तक कोई लोन की योजना अभी तक मिली है, जिसके कारण सिकलगरी समाज अपना रोजगार चला सके। लोन ना रहने के कारण, ड्यूटी ना रहने के कारण, नौकरी ना रहने के कारण आज भी सिकलगरी समाज जो है भटकी हुई जाति के जैसा भटक रहा है। हमारी मांग ये है कि जैसे कि गुरुद्वारा बोर्ड के अंदर, सचखंड गुरुद्वारा बोर्ड के अंदर प्रशासन की तरफ से कई मेंबर आते हैं, तो माननीय गवर्नमेंट से, माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे से हमारी ये बेनती निवेदन है, जैसे कि प्रशासन की तरफ से जैसे मेंबर आते हैं, वैसे गुरुद्वारा बोर्ड के अंदर सिकलगरी समाज के भी कोई ना कोई मेंबर, जैसे कि अपने विदर्भ, मराठवाड़ा, तो और भी उत्तर पश्चिम से हमारे जो है मेंबर गुरुद्वारा बोर्ड के अंदर रहना चाहिए, और गुरुद्वारा बोर्ड के अंदर 50% हमको हमारी जॉब वहाँ मिलनी चाहिए। और जो हमारी मांगे हैं, जैसे कि हम जानते हैं दुनियावी तौर पर हमको कारोबार करने के लिए पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, हमको लोन की जरूरत है, हमको कास्ट सर्टिफिकेट जरूरत है, और हमारी जितनी भी प्रशासकीय है, जैसे कि मेडिकल हेल्पलाइन, जैसे कि दवाखाने के अंदर हमको हमारी मांगे पूरी नहीं की जाती है। तो हमारी सरकार से निवेदन है, ये जो हमारी मांगे हैं, बाकी हमने निवेदन के अंदर लिखी हुई है, आप उन मांगों को जल्द से जल्द पूरा करें। अगर हमारी सरकार गवर्नमेंट मांगे नहीं पूरी करती है, तो महाराष्ट्र सिख लीगर संगठन पूरे भारत के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर आंदोलन छेड़ेगा और रोड पर उतरेगा। और हमको हमारी मांग अगर नहीं मिली तो आने वाले समय में प्रशासन के, हमारे महाराष्ट्र सिख लीगर संगठन की तरफ से आपको इसका नुकसान पहुंचेगा। तो व्यूअर्स, आपने सुना कि इन्होंने जो कहा वो ये है कि जो महाराष्ट्र की जो सरकार होती है या जो भी स्टेट वाइज सरकार होती है, हर स्टेट वाइज सरकार में एक स्टेट का बोर्ड होता है, जैसा कि हज कमेटी, अभी महाराष्ट्र की हज कमेटी इस अधिवेशन में महाराष्ट्र सरकार ने घोषणा की है, तो आप गुरुद्वारे के लिए स्टेट बॉडी की डिमांड कर रहे हैं? हाँ, स्टेट बॉडी की डिमांड है, उसके अंदर जाति प्रमाण का है, उसके अंदर लोन का है, घरकुल योजना का है। जैसे कि हमारे माता बहना विधवा है, सरकार के तरफ से अनेक योजना उनको दी जाती है, ना ही हमारे अपंग, हमारे समाज के अपंग लोगों को योजना है, ना ही हमारी माताएं, विधवा जो बहना है, उनको कोई सरकार की तरफ से योजना है, ना ही कोई ऐसा लागू है। अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो पूरे महाराष्ट्र के तरफ से, संगठन के तरफ से जो हमारे पद अधिकारी हैं, हजारों की गिनती में पहुंचे हुए हैं, तो हमारा उनसे निवेदन है कि जल्द से जल्द हमारी ये मांगे पूरी की जाए, और हमें हमारा हक जो सरकार ने, गवर्नमेंट ने छीना हुआ है, वो हमें हमारा हक जल्द से जल्द दिया जाए।